एक कप हमने मैदा लेने हैं, सूजी ले लेंगे एक कप, हसबे जरूरत पानी ले लेंगे, स्पून नमक ले लेंगे, कोई भी बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर हम मैदा डाल देंगे। हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे, अब नमक डाल देंगे, को मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। और अब हम इसे गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, गूंदते जाएंगे। अब इसको गूंद लेंगे 5 मिनट के लिए। दो हमने गूंद लिए अच्छी तरह से। हाथों को खुश्क आटा लगा लेंगे। हम इसके पेड़े बनाएंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। तो मिलते हैं आपसे 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे बेल लेंगे। अब इसको बड़ा कर लेंगे। बिल्कुल पतली कर लेंगे आप लोगों ने। अब हम कोई भी गिलास ले लेंगे और उससे ये गोल गोल शेप्स बनाएंगे। अब हम एक ट्रे ले लेंगे और बारी बारी करके सारे शेप गोल शेप्स उसके अंदर डालते जाएंगे। सोवर्स फ्राई करते वक्त ये ध्यान आप लोगों ने ज़रूर रखना है, क्योंकि जो नीचे वाली साइड होगी जो कि हम लोगों ने ट्रे में रखी होगी वो ऊपर लेके आएंगे और ऊपर वाली साइड नीचे। तो इसी तरह हम लोग करते जाएंगे और फ्राई हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लेम मीडियम लो है, तो इस तरह हम लोग करते जाएंगे। और जैसे ही हल्का हल्का कलर आता जाए तो हम लोग उतारते जाएंगे और राउंड्स पे राउंड्स करते जाएंगे। तो ये देखिए कलर माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त है और कितने ही ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। तो अब सेकंड राउंड चल रहा है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसी तरह करते जाना है। और जो मैं चम्मच की मदद से इस तरह कर लूँ ये भी आप लोगों ने ज़रूर करना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। सूरज देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं गोलगप्पे, आप देख सकते हैं। तो पिक भी आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और कितने मज़े के तैयार हुए हैं। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं चटनी, जो कि हम लोग 3 किस्म की बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा पाउडर हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून, सौंफ हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून, नमक हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर हम लोगों ने लिया है 1/2 टीस्पून। सोवर्स एक मीडियम साइज़ के हम लोगों ने लिए हरी मिर्च और कोरिएंडर यानी कि धनिया हम लोगों ने लिए कुछ ही पत्ते। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें ये चटनी बनाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
अब हम इन तीनों आइटम्स को, तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। आपके घर में जो भी ग्राइंडर है आप उसमें कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे किसी भी बाउल में डाल देंगे। तो बाउल में हम लोगों ने डाल लिए और थोड़ा सा पानी अंडर डाल लिए, आप देख सकते हैं। तो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये सारी स्पाइसेस मैंने आपको मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये बस हमारी चटनी तैयार होने वाली है। तो अब हम इसके अंदर निचोड़ेंगे लीमू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इमली का पर्प बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए। ज़ीरा हम लोगों ने लिया है हाफ टेबल स्पून, नमक हम लोगों ने लिया है हाफ टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर लिया हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हम लोगों ने लिया है 1 टेबल स्पून और 1.5 लेमन यानी कि लीमू। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें इमली का पानी बनाने के लिए। तो चलिए इमली का पानी बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली का पल्प लिया हम लोगों ने 3 टेबल स्पून, जिसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसके अंदर से गुठलियाँ निकालनी है। सो अब हम लोग 3 कप्स पानी ले लेंगे और इसके अंदर पल्प ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पहले भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा वीडियो में दिखाया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस जो कि मैंने आपको दिखा दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड कर देंगे ये हम लोग सारा पाउडर ऐड करेंगे, मतलब जो भी चीज़ ऐड की है पाउडर ही ऐड करेंगे और फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार होने वाली है बस हमारी चटनी। तो ये वाली मेरी फेवरेट है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए हमने लिया इमली का पल्प 1/2 कप और पानी हम लोगों ने लिया जिसके अंदर हम लोगों ने गुड़ डाल लिया 1/2 कप, ज़ीरा पाउडर हम लोगों ने लिया 1/2 टेबल स्पून, जिंजर पाउडर हम लोगों ने लिया 1/2 टेबल स्पून और नमक हम लोगों ने लिया 1/2 टेबल स्पून। हम लोगों ने पानी में जो इमली डाली थी इसे भी छान लेंगे और ये जो पानी में गुड़ डाला था ये भी, इसे भी छान लेंगे। तो अब किसी भी बॉल में इसे छान लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसे हम लोगों ने छान लिया। तो इस तरह हम लोग छानेंगे ताकि ये इमली वगैरह छानी में रह जाए और सारा पानी नीचे चला जाए। तो अच्छे तरीके से हम लोग छान लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड कर दी थी। हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने ये डाल दिया। तैयार हो चुकी है हमारी और अब हम इसे चटनी तो इसके अंदर उबाला लेंगे, पका लेंगे और फिर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। और इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट। सो व्यूअर्स 5 मिनट हो गए, हमारी खट्टी मीठी चटनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बाउल के अंदर। गाड़ी हो चुकी है हमारी चटनी और बहुत ही जबरदस्त तैयार हुई है। सो व्यूअर्स हमारी ये वाली चटनी भी तैयार है। तो तैयार है हमारी। सो व्यूअर्स हमारे गोलगप्पे और चटनी एकदम रेडी है। इसे हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था, तो कितने ही जबरदस्त है। और इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाजत। और चटनियां भी हमारी सारी रेडी हो गई है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज। और अगर आप गोलगप्पा चैलेंज देखना चाहते हैं उमर और अर्शा का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत मज़े की वीडियो है।
तो आप देख सकते हैं कि उमर वाइस में से उस चैलेंज में कौन जीतता है। तो अल्लाह हाफिज़।